गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी संघर्ष जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एक बार फिर 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अपने दौरे की शुरुआत गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ की। वहीं जीएसटी टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को गुजरात के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले वे यहां के अक्षरधाम मंदिर गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएसटी को एक रेट के साथ सिंपल टैक्स बनाया जाए। बाद में उन्होंने चिलोड़ा गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां भी जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने कहा कि देश को 5 तरह का नहीं बल्कि 1 टैक्स चाहिए। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। राहुल गांधी उत्तर गुजरात के जिलों में सभाएं और सीधे संवाद के अलावा शक्तिपीठ अंबाजी समेत कई मंदिरों में दर्शन भी करेंगे। राहुल का यह दौरा नव सर्जन गुजरात यात्रा के तहत किया जा रहा है। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उधर मोदी और राहुल गांधी दोनों में मंदिरों में दर्शन की भी होड़ लगी है। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को गुजरात पहुंचे थे। इसकी शुरुआत उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना से की थी। राहुल इससे पहले अपने 3 दिन के गुजरात दौरे पर द्वारकाधीश समेत 5 मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी यूपी विधानसभा चुनाव से अब तक 15 मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उधर मोदी अब तक 12 मंदिरों में गए हैं। पिछले 1 महीने में देखें तो मोदी 5 मंदिर और 1 मस्जिद में गए हैं, जबकि राहुल 10 से ज्यादा मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। उत्तर गुजरात को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन का मुख्य केंद्र भी उत्तर गुजरात था। राहुल गांधी ने अपने वर्तमान दौरे में इसी इलाके को वरीयता दी है।